स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायोंग। आज हम लोग हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग स्पेसिफिकली फाइनेंशियल बॉडीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहां पे हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में और हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में स्पेसिफिकली। इनफैक्ट हम लोग बात करने वाले वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में और इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसीज है, क्योंकि IMF तो UN का स्पेशल एजेंसी है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में पांच इंस्टीट्यूशंस आते हैं, पांच इंस्टीट्यूशंस में से कुछ UN के भाग हैं, यानी कि UN के स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, कुछ नहीं है। तो हम लोग वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या है ये जानेंगे और वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में भी समझेंगे। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा और इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने IMF और वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ एक अलग ही क्लास, अलग ही लेक्चर बनाया हुआ है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी मैंने आपको चर्चा की शुरुआत से बताया था कि हम लोग UN के बारे में मेन बॉडीज बात करेंगे, सेक्रेटेरिएट के बारे में बात करेंगे, UN सिस्टम के बारे में बात करेंगे। UN सिस्टम में हम लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को ऑलरेडी देख चुके हैं, आज हम लोग IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस क्यों। आपको याद होगा इस सीरीज की शुरुआत से पहले जो पहला लेक्चर आया था, जहां पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाए थे, लेट मी जस्ट शो यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2014 में एक सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। 2008 में एक क्वेश्चन आया था, हाउ द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वेर इन The agreements for IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, IMF, International Monetary Fund, how is this conference commonly known as, right? तो आज हम लोग IMF के बारे में भी जानेंगे, IBRD के बारे में जानेंगे, GATT के बारे में हम लोग जरूर बाद में बात करेंगे, क्योंकि GATT is connected to WTO, World Trade Organization. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रीकर्सर या फिर प्रेडेसेसर हम लोग कह सकते हैं GATT को। इन तीनों की स्थापना एक ही कॉन्फ्रेंस में हुई थी, वो आपको इस डिस्कशन के दौरान पता चलेगी, इसका जवाब भी आपको इस डिस्कशन के दौरान पता चलेगा। इसके अलावा एक और सवाल है, 2016 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन देता है, इसका भी जवाब आपको पता चलेगा। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, इसका भी आंसर आपको पता चलेगा। आई होप कि इन सवालों से ही आपको पता चल चुका है क्यों IMF और वर्ल्ड बैंक का एक सेपरेट क्लास बना हुआ है और इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इस चीज की। नॉट जस्ट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मेंस के दृष्टिकोण से भी काफी चीजें आपको समझ में आएगी, लेकिन यहां पे मैं आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दूंगा अबाउट IMF फर्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फर्स्ट, और उसके बाद हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे। चलिए IMF के बारे में चर्चा करते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये उसका लोगो है, एम्बलम है। IMF की शुरुआत हुई थी 1944 में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र से पहले। पूरे विश्व को लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना ज्यादा तहस नहस हो गया है, कि इतनी ज्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, बहुत सारे देशों का GDP डाउन हो चुका है, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। कई सारे देशों में जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट को देने के लिए पैसा नहीं है, सोना नहीं है, गोल्ड नहीं है, तो इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो इनकी हैंड होल्डिंग करे फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसीलिए एक बॉडी बनी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड, इन ब्रेटन वुड। तो आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है IMF, IBRD और GATT जहां पे बनी थी, उसका नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये ब्रेटन वुड्स जो है, इट्स अ लोकेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए आप MCQ सॉल्व करें, तो मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि केवल इस चीज को सॉल्व मत कीजिएगा। स्पेशली जब आप मॉक दे रहे हो, तो मॉक देने के बाद आप आंसर देखोगे कि यार मेरा आंसर गलत हो गया, तो गलत क्यों हुआ इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और आपकी इंप्रूवमेंट कैसे होगी, व्हेन यू अंडरस्टैंड द ऑप्शंस एज वेल। यहाँ पे ऑप्शंस आपको क्या दिए गए हैं, एक आपको ब्रेटन वुड दिया गया जिसका आंसर आपको पता चल चुका है, लेकिन आपको एलिमिनेशन का मेथड भी आ जाएगा अगर आपको दूसरी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस क्या है। I'm quite sure कि आपने बांडुंग का नाम सुना होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले बांडुंग कॉन्फ्रेंस किससे जुड़ा हुआ है,
और बांडुंग कहाँ पे? बांडुंग कम्स इन इंडोनेशिया, इट्स अ सिटी इन इंडोनेशिया. बांडुंग कॉन्फ्रेंस इज कनेक्टेड टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई थी, उसके बाद 1961 में नैम बेलग्रेड में फॉर्मली बना. उसके बाद वेरसाई कॉन्फ्रेंस. अब ये वेरसाई कहाँ पे आता है? ट्रीटी ऑफ वेरसाई या फिर वेरसाई कॉन्फ्रेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रीटी ऑफ वेरसाई यू नो राइट, वर्ल्ड वॉर वन से जुड़ा हुआ है. ट्रीटी ऑफ वेरसाई, वेरसाई कॉन्फ्रेंस से लीग ऑफ नेशंस बना हुआ था, ये हमें पता है 1919 के दौरान. इसके अलावा याल्टा कॉन्फ्रेंस, ये मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत में. डोम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस और याल्टा कॉन्फ्रेंस. डोम्बार्टन ओक्स अगेन अ प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट्स. याल्टा, अगर आपको नाम भी पता नहीं है तो गेस कर सकते हैं, द नेम साउंड्स अ लिटिल रशियन, याल्टा राइट. सो याल्टा इज अ प्लेस और अ सिटी, इट इज अ रिजॉर्ट सिटी इन क्रीमिया, क्रीमिया राइट नाउ विथ रशिया. तो कुछ इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि केवल एक ऑप्शन पे नहीं रुकना है, आपको उन दूसरे ऑप्शंस को भी समझना है, तभी आपकी नॉलेज रिफाइन होती भी रहेगी राइट. उस सवाल का जवाब तो हमें मिल चुका है कि IMF was conceived at the Bretton Woods Constitution. अब क्यों बनाया गया था, IMF का उद्देश्य क्या था? देखिए, विश्व युद्ध एक से पहले, विश्व युद्ध एक का हम लोग वन ऑफ द रीजन बता सकते हैं 1929 का ग्रेट डिप्रेशन. अब इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से पूरे विश्व में इन्फ्लेशन आया, पूरे विश्व में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई, और इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का फायदा उठाते हुए जहां जहां अथॉरिटेरियन सरकारें थी, जैसे कि जर्मनी, जैसे कि इटली, जैसे कि जापान, यहां पे इन्फ्लेशन की वजह से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हुई. खुद को इन्होंने सेवियर बताया इकोनॉमी का और खुद की पावर्स इन्होंने बढ़ाई. और तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध का जो रूट्स है, जो सीड्स है, दे वर सोन इन द ग्रेट डिप्रेशन. ऑल दो इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रीटी ऑफ वेरसाई इटसेल्फ, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था. तो इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से पूरे विश्व में एक आर्थिक संकट आ गया था. तो आगे इस तरह के आर्थिक संकट अगर आएंगे, उन संकटों से लड़ने के लिए एक बॉडी चाहिए, उस बॉडी को बनाया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करके. तो IMF क्या है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है कि ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन ले आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करे पूरे विश्व में. आज हम लोग इसी प्रॉब्लम से अभी भी जूझ रहे हैं और IMF कहीं ना कहीं इस चीज में मदद जरूर कर रहा है. आपको याद होगा 2020 में ग्लोबल पैंडेमिक ने हिट किया पूरे विश्व को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, उस समय भी IMF का एक बहुत ही बड़ा रोल था. IMF ने ह्यूज लिक्विडिटी इंजेक्शन की थी 2020 में थ्रू एलोकेशन ऑफ SDRs, ये हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में राइट. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बना. और ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन. अब इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ आता है? ये आता है वॉशिंगटन DC में. इसमें 190 मेंबर से आज 190 मेंबर कंट्रीज. और जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका मैंडेट क्या है, 2012 में इनका मैंडेट आया टू इंक्लूड ऑल मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड द इश्यूज विच आर कनेक्टेड टू ग्लोबल स्टेबिलिटी. यानी कि सारे के सारे सेक्टर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो IMF विल वर्क. अब IMF के काम को भी हम लोग अगर डाइसेक्ट करेंगे, थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर, तो आपको पता चलेगा इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है. एक उद्देश्य होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज जो होते हैं किसी भी देश से, अगर इन इश्यूज से गुजर रहा है कोई देश तो उन्हें उस प्रॉब्लम से बेल आउट करवाता है. और कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी इसका एक फायदा उठाया या फिर हम लोग भी इसके शिकार भी रहे, मैं कह सकता हूं. 1991 में आपको याद होगा ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो रिफॉर्म्स आए थे, ये क्यों हुआ था? क्योंकि इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम हुई थी और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम के चलते IMF से हम लोगों ने एक बेल आउट लिया था. IMF ने हमारे सामने शर्तें रखी थी कि आप LPG रिफॉर्म्स ले आइए तो हम आपको बेल आउट देंगे. इवेंचुअली हम लोगों ने लिया. तो IMF का एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट काम ये है कि किसी भी देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस जब आ जाए तो उन्हें बेल आउट करने के लिए IMF का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है. आपको एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक और IMF में बहुत बड़ा अंतर है. वर्ल्ड बैंक इज एक्चुअली अ बैंक, आपको ध्यान रखना है. वर्ल्ड बैंक समझ लीजिए हमारा कोऑपरेटिव बैंक होता है ना, आपके आपके जिले में, आपकी सिटी में, विलेज में भी आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक. वर्ल्ड बैंक एक ग्लोबल कोऑपरेटिव बैंक है, लेकिन IMF एक फंड है. नाम से आप समझ जाइए IMF इज अ फंड. तो IMF आपको
स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए लोन नहीं देता है। प्लीज रिमेंबर, IMF डज नॉट लेंड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब मैंने IMF से डिमांड कर ली कि भैया मैं मेट्रो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इंडिया में, तो मुझे आप पैसा दीजिए। IMF इन सब चीजों में काम नहीं करता। इन सब चीजों में वर्ल्ड बैंक जरूर काम करता है। IMF का काम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, राइट? यानी कि देश के ऊपर कोई संकट आ गया, कोई आर्थिक संकट आ गया, तो उस समय भी मदद जरूर कर देता है। बड़े बड़े लोन्स, बड़े बड़े बेलआउट पैकेजेस आपको देख, राइट? अब IMF का काम 1944 से अभी तक का कैसा रहा है देखिए। एट अ ग्लांस, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, 1990 इसकी मेंबर कंट्रीज है, 150 नेशनैलिटीज है इसकी स्टाफ में, यानी कि 150 देशों से अलग अलग पर्सोनल IMF के लिए काम करते हैं, 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है हु रिप्रेजेंट 190 कंट्रीज। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। इनकी गवर्निंग स्ट्रक्चर को देखकर अभी तक उनकी लैंडिंग की फैक्ट देखिए, 1 trillion अमाउंट ऑफ लैंडिंग इन्होंने की हुई है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं, कंट्री स्पेसिफिक, बेल आउट, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, कुछ इस तरह की चीजें, टेक्निकल असिस्टेंस भी ये लोग दे चुके हैं। ऑलराइट, तो कितनी रेसिपिएंट कंट्रीज दे चुके हैं? इमरजेंसी पैंडेमिक फाइनेंसिस इन्होंने फाइनेंसिंग दिए 76 COVID-19 पैंडेमिक के चलते, राइट? इसके अलावा अगर हम लोग IMF की हिस्ट्री को देखें, IMF एवरी डेकेड हम लोग देखें, तो हर दशक में कोई ना कोई दिक्कत आई हुई है जिससे IMF ने पूरे विश्व को, सभी देशों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया। जैसे कि 1940s की बात तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कैटास्ट्रोफिक था, इट वॉज कैटास्ट्रोफिक, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, इससे रिकंस्ट्रक्शन करनी थी तो IMF ने काफी मदद की। 1950 के दशकों में कम्युनिस्ट नेशंस ने विड्रॉ किया ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम से, फिर से एक प्रेशर आया तो यहाँ पर भी मदद की। डीकोलोनाइजेशन हुआ 1960s में, अफ्रीका में कई देशों को बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम सहनी पड़ी तो यहाँ पे इन्होंने मदद किया। 1970s में वियतनाम वॉर और ईरान इराक वॉर की वजह से ऑयल क्राइसिस हुई, इन ऑयल क्राइसिस से भी पूरे विश्व को इन्होंने बाहर निकाला। इंटरनेशनल डेट क्राइसिस हम लोगों ने देखा 1980s की वजह से ही इंडिया में 1990 में प्रॉब्लम आई थी, इंडिया में ही नहीं कई सारी देशों में। 1990s के बाद फॉल ऑफ USSR हुआ, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ग्लोबल रिपरकशंस हम लोगों ने देखी। 1990s में हम लोगों ने बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस देखी, ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, US में भी हम लोगों ने क्राइसिस देखी। 2000s में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 सभी को पता है, और इसके बाद IMF और भी ज़्यादा एक्टिव बन चुका है। तो 2010 में भी, 2013 में हम लोगों ने देखा, 2013 में देयर वॉज इकोनॉमिक क्राइसिस, 2020s की शुरुआत में ही क्राइसिस लाइक नो अदर क्राइसिस, जहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए गए बाय IMF, जहां पे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट की इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो थ्रू आउट डेकेड्स IMF हैज बीन हेल्पिंग डिफरेंट कंट्रीज, हेल्पिंग एंटायर ग्लोब फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब IMF का वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, IMF कैसे काम करता है, ये बहुत जरूरी है। कैसे काम करता है, अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस को देखा कि उनकी कोई एक प्लेनिपोटेंशियरी काउंसिल है, या फिर उनकी सालाना कॉन्फ्रेंस चलती है, उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सेक्रेटेरिएट है। तो IMF का भी सेक्रेटेरिएट है वॉशिंगटन DC में, लेकिन दो मेन बॉडीज IMF को डायरेक्शन देती है, IMF का काम करवाती है, वो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और दूसरा है एग्जीक्यूटिव बॉडी। और एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंडर आपको इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस मिलेगा, इसके अंडर आपको अलग अलग कमिटीज जरूर मिलेगी। इसके अलावा IMF की फाइनेंशियल कमिटीज भी है, IMF की खुद की फाइनेंशियल कमिटीज है, अलग अलग सेक्टर वाइज फाइनेंशियल कमिटीज बनी हुई है, वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट कमिटीज, वर्ल्ड बैंक के साथ उनकी डेवलपमेंट कमिटीज बनी हुई है। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग चर्चा डिटेल में नहीं करने वाले हैं, बट डू रिमेंबर दैट IMF has its own financial committees, it has joint committees with World Bank, it has its own independent evaluation office. लेकिन जो दो main important इनकी governing structure है वो है board of governors और executive board. इसको समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके ऊपर भी MCQs बन सकते हैं। Consider the following statements about board of governors of IMF. और यहाँ पे कुछ statement दिए गए हैं तो इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं। ये board of governors है क्या? IMF की highest decision making body है, और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 190 कंट्रीज इसकी मेंबर है, यानी कि 190 मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, आपको ये ध्यान रखना है। सो 190 लोग यहाँ पे आएंगे। अब कौन लोग आते हैं, इनफैक्ट ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 190 नहीं, टेक्निकली मैं कहूँगा इसका डबल नंबर रहेंगे, क्योंकि एक गवर्नर होता है, एक ऑल्टरनेट गवर्नर भी दिया जाता है एक ही देश से। अब इंडिया से एक गवर्नर नॉमिनेट किया जाता है और एक दूसरा ऑल्टरनेट गवर्नर भी होता है। ऑल्टरनेट गवर्नर नॉर्मली एक ब्यूरोक्रेट होता है, हाई रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जरूर, राइट? तो इसमें ये जो गवर्नर है या फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो मेंबर हम लोग कहते हैं,
वन गवर्नर फ्रॉम वन कंट्री, ये कौन होता है? रेस्पेक्टिव देश उन्हें नॉमिनेट करते हैं। हम इंडिया की तरफ से, ध्यान दीजिएगा, इंडिया की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑफ IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, प्लीज याद रखिए इसको। और यहां पे सबसे बड़ा पिटफॉल आपका क्या होगा, मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF, राइट। अब इसके अंदर पहला स्टेटमेंट मैंने दिया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ IMF, एब्सोल्युटली राइट। दूसरे स्टेटमेंट में मैंने दिया इंडियाज गवर्नर ऑफ RBI इज द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर, राइट। तो बहुत बार आपने गवर्नर सुन लिया, तो एस्पिरेंट्स कई बार इस पिटफॉल में फंस सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का और RBI का कोई नाता नहीं है। RBI का नाता है दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो हम लोग आगे बात करेंगे। यहां पे RBI को जरूर एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारामन राइट नाउ इज द मेंबर ऑफ, और दी शी इज वन ऑफ द गवर्नर्स एट द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। इसके अलावा एक ऑल्टरनेट गवर्नर को भी डेजिग्नेट किया था प्रति देश द्वारा, राइट। अब इस बोर्ड ऑफ गवर्नर का काम क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का क्या जिम्मा है? IMF की ब्रॉड पॉलिसीज बनाते हैं, IMF की जो भी आइडियाज होती है, पॉलिसीज होती है उनकी, उनकी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के प्रति जो भी डिसीजंस होते हैं ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही लेते हैं। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इससे छोटी बॉडी, इसमें तो 190 मेंबर्स है, ऑल्टरनेट गवर्नर्स भी होते हैं, तो इससे छोटी बॉडी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और इसे काम भी डेलीगेट करते हैं ये लोग, राइट। यानी कि समझ लीजिए दिस इज लाइक द पार्लियामेंट ऑफ IMF एंड दिस इज लाइक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द IMF। अब IMF की बोर्ड ऑफ गवर्नर साल में एक बार मिलते हैं, और आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। एक और स्टेटमेंट अगर मैं स्टेटमेंट दूं, एवरी गवर्नर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF हैज वन वोट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। समझ लीजिए हर एक गवर्नर, हर एक मेंबर को एक वोट नहीं होता है, इनका वोट इज डिपेंडिंग ऑन देयर कोटा, प्लीज रिमेंबर दिस। यहां पे भी आप फंस सकते हो स्टेटमेंट में। अगर मैं आपको बताऊं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हर एक गवर्नर का एक वोट होता है, 190 कंट्रीज का नहीं, गवर्नर का वोट का वैल्यू होता है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द कोटा। हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे कोटा क्या होता है, राइट। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। इसके अलावा सेकेंड बॉडी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ IMF, दैट इज द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यहां पे आपको 24 डायरेक्टर्स मिलते हैं, 24 डायरेक्टर्स आपको मिलते हैं, 24 डायरेक्टर। और ये बेसिकली 24 डायरेक्टर के अलावा देयर इज मैनेजिंग डायरेक्टर आल्सो, राइट नाउ इट इज क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा अभी फिलहाल मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की। तो ये समझ लीजिए डे टू डे वर्किंग का जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होती है यहाँ पे ये लोग उसके प्रति काम करते हैं। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी जो डायरेक्टर होते हैं उनका जो एक वोट होता है, वन वोट इज नॉट इक्वल टू वन मेंबर वोट, यानी कि 24 वोट नहीं है, दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप कोटा इटसेल्फ। आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा ये कोटा क्या, मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्टली IMF की वेबसाइट पे जाकर। लेकिन समझते ही कोटा सिस्टम क्या है, जिसके बेसिस के ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वोटिंग होती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की वोटिंग होती है। देखिए कोटा सिस्टम दिया गया है IMF में, और इसी चीज को रिफॉर्म करने के लिए इंडिया बहुत ज्यादा मशक्कत करता रहता है। किसी भी देश के लिए उन्हें एक कोटा दिया गया है, अब वो कोटा डिपेंड करता है उस देश के कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, देश के GDP के ऊपर, यानी कि जितना, जितनी बड़ी आपकी GDP है उतना ज्यादा आपका औदा है IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। अगर आपकी इकोनॉमी ओपन है तो आपको ज्यादा पॉइंटर्स मिलेंगे, आपका ज्यादा औदा रहेगा, ज्यादा कोटा आपको मिलेगा। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी यानी कि इकोनॉमिक रेजिलियंस आपकी ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेरिएबल से एक ही सेक्टर पे आप निर्भर नहीं हो, अलग अलग सेक्टर पे आप निर्भर हो तो आपका औदा ज्यादा होगा। इंटरनेशनल रिजर्व्स आपके पास कितने हैं, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स आपके पास कितने हैं, इसके ऊपर भी आपका औदा ज्यादा रहेगा। यानी कि हर एक देश का एक कोटा डिसाइड किया गया है, और ये जो कोटा है हर 5 साल में अपडेट किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है प्रत्येक देश के लिए, डिपेंडिंग ऑन द GDP, डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक ओपननेस, डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी एंड अदर थिंग्स। अब इससे आपने कॉमन सेंस से लगा तो लिया होगा किस देश का कोटा सबसे ज्यादा रहेगा। ऑफकोर्स GDP नंबर्स टॉप में हम लोग कह सकते हैं USA, चाइना, तो इन दोनों का भी कोटा बहुत ज्यादा रहेगा। इसके अलावा रैंकिंग के हिसाब से जिसका, जिसकी जितनी GDP है, जिसकी जितनी इकोनॉमिक ओपननेस है, वेरिएबिलिटी है इंटरनेशनल रिजर्व से, अब ये सारे डिसीजन भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही करता है, राइट। द डायरेक्टर्स दे डिसाइड ऑन दिस। तो इन जनरल अगर हम लोग बात करें कोटास की, तो इंडिया का कोटा कितना है, 2.75, यानी कि अगर 100 वोट है
आईएमएफ के 100 वोट हैं उसमें से 2.75 वोट इंडिया के हैं, अगर आईएमएफ के 100 वोट हैं तो चाइना का 6.4% वोट बनता है, अगर यूएस अगर 100 वोट है यूएस का कोटा बनता है 17% वोट, 17% कोटा, राइट। और अगर हम लोग आईएमएफ की कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, आईएमएफ की कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह के रूल्स हैं, कुछ कुछ डिसीजन जो मेजर डिसीजन होते हैं वहां पे 85% सुपर मेजोरिटी की जरूरत होती है, यानी कि 85% कोटा वोट की जरूरत होती है। अब इमेजिन कीजिएगा कोई भी डिसीजन लेना है, इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास टेक्निकली एक वीटो है क्योंकि उनके कोटा का परसेंटेज है 17%। आई होप कि यू डू अंडरस्टैंड। ऑल दो टेक्निकली अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, आईएमएफ में यूएस के पास वीटो है, कोई वीटो नहीं है, लेकिन उनके औहदे के कारण, उनकी जीडीपी के कारण, उनके इन पैरामीटर्स के कारण उनके पास इतना ज्यादा कोटा पहुंच चुका है कि दे टेक्निकली हैव सम सॉर्ट ऑफ अ वीटो, राइट। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो चलिए सीधे इनके वेबसाइट पे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि कितना प्रतिशत किसका वोट है, इंडिया का कितना वोट है, दूसरों का कितना वोट है। लेट अस गो डायरेक्टली टू द आईएमएफ वेबसाइट। देखिए ये है आईएमएफ की वेबसाइट जहां पे मैं आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मेंबर्स का कोटा और उनके वोटिंग पावर के बारे में दिखा रहा हूं, अपडेटेड ऑन June 22nd। यहां पे आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में पढ़ सकते हो, किस कंट्री का कितना वोटा है, कितना कोटा है, आपको यहां पे कंप्लीटली मिलेगा। जहां जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। लेट अस सर्च फॉर सी चाइना। देखिए चाइना का सर्च किया तो आपको यहाँ मिलेगा चाइना का कितना वैल्यू है, उनके वोट उनकी वोटिंग परसेंटेज 6.4 है। अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया का सर्च किया हम लोग इंडिया का 2.7% वोटिंग मिलेगा आपको। अगर आपको समझ लीजिए आपको रशिया का देखना है तो यू विल गेट रशियन फेडरेशन 2.71, क्योंकि रशियन इकोनॉमी इज रैदर क्लोज्ड, इसीलिए। अगर आपको दूसरे कंट्रीज का देखना है तो यू कैन सर्च हियर एवरी कंट्रीज वोट, फ्रांस का है 4.23%। तो ये था हमारी डिस्कशन आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में। अगर हम लोग इसी आईएमएफ की वेबसाइट पे चले जहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की वोटिंग पे हम लोग देखें, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने हैं, 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने आपको बताया क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। यहां पे इनकी वोटिंग ग्रुप के बेसिस पे है। अब ग्रुप के बेसिस पे कैसे, देखिए अल्टरनेट डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टर का नाम दिया हुआ यहां पे, ऊपर डायरेक्टर है नीचे अल्टरनेट डायरेक्टर, किस देश से है, यूएस से एक डायरेक्टर, जापान से एक डायरेक्टर, चाइना से एक डायरेक्टर, लेकिन जैसे आप नीचे पहुंचे तो आपको ग्रुप में मिलेंगे, जैसे अंडोरा, आर्मेनिया, बेल्जियम, इन सभी के एक है। जैसे लेट मी सर्च फॉर इंडिया हियर, आप देखिए इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, इन चारों का मिलकर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सुरजीत सिंह भल्ला, और अल्टरनेट डायरेक्टर का नाम यहां पे दिया गया और उनकी वोटिंग परसेंटेज के बारे में भी यहां पे दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का ग्रुप कोटा कैसे होता है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, राइट, फ्रॉम द असेंबली, फ्रॉम द बोर्ड ऑफ गवर्नर इटसेल्फ दे आर अपॉइंटेड। तो दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एज वेल एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। आई होप कि आपको कोटा सिस्टम कंप्लीटली समझ में आ चुका है। अब हम लोग कोटा सिस्टम के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे आईएमएफ से जुड़ा हुआ, वो है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट है क्या, देखिए स्पेशल ड्रॉइंग राइट टेक्निकली हम लोग कह सकते हैं ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, ऑल्दो मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि इंटरनेशनल करेंसी है, इंटरनेशनल करेंसी हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट जरूर है। थोड़ी देर में आपको क्लियर भी हो जाएगा। SDR को क्रिएट किया है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1969 में। अब ये क्रिएट क्यों हुआ, देखिए नॉर्मली हमारी जो भी पहले करेंसी जो इस्तेमाल की जाती थी वो तो गोल्ड थी, गोल्ड स्टैंडर्ड था पहले। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर आया, डॉलर का जो औहदा है, डॉलर का जो इंपॉर्टेंस है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहा 20th सेंचुरी में। लेकिन एक समय ऐसा आया यूएस डॉलर्स की भी शॉर्टेज हुई, गोल्ड की भी शॉर्टेज हुई, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व्स की शॉर्टेज होने लगी थी। इसीलिए आईएमएफ ने एक एसेट बनाया, फॉरेक्स का एसेट बनाया SDR करके, और SDR का कोड आपको ध्यान रखना है XDR, जैसे हमारा डॉलर का है USD, राइट, इंडिया का है INR कोड, वैसे ही SDR का जो कोड है वो है XDR, लेकिन इट इज नॉट अ करेंसी, प्लीज रिमेम्बर। ये एक सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एसेट है जिसको IMF ने क्रिएट किया हुआ है। अब आपको SDR कैसे मिलेगा, अब क्या मुझे SDR मिल सकता है, नहीं। क्या मुझे डॉलर मिल सकता है, बिल्कुल, अगर मैं दूसरे देश में जाऊं तो मैं अपनी रुपीज दे दूं तो मुझे डॉलर मिल सकता है, लेकिन क्या मुझे एज एन इंडिविजुअल अगर मैं 1 करोड़ रुपए दे दूं आईएमएफ को, क्या वो मुझे SDR देंगे, नहीं, दे कैन नॉट गिव मी SDR, बिकॉज प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनी को SDR नहीं मिलेगा।
ये केवल एक देश को मिल सकता है, जैसे इंडिया को एसडीआर मिलेगा, इंडिया को एसडीआर एलोकेट कौन करेगा, अगेन आईएमएफ करेगा, डिपेंडिंग ऑन अगेन योर इकोनॉमी योर पावर, जैसे कि मैंने आपको कोटा सिस्टम बताया उसी के हिसाब से आपको एसडीआर एलोकेट किए जाते हैं। अब ये एसडीआर है क्या, एसडीआर एक फॉरेन करेंसी एसेट है। जैसे हमारे फॉरेक्स की जब हम बात करें तो हमारे फॉरेक्स में हम लोग क्या क्या रखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग रखते हैं कुछ गोल्ड, हमारे पास कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है, हमारे पास कुछ डॉलर पड़ा हुआ है, बहुत सारे डॉलर पड़े हुए हैं, या फिर दूसरी करेंसीज जैसे डॉलर के अलावा जो इंटरनेशनल करेंसीज हो गई, चाइनीज रेनमिनबी हो गई, या फिर आपके पास येन हो गई, पाउंड हो गई, ये भी हम लोग रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एसडीआर भी रख सकते हैं, और एक और चीज होती है एसडीआर प्लस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांच और गोल्ड ट्रांच हमारे पास होता है। ये एसडीआर और गोल्ड ट्रांच दोनों आईएमएफ से ही कनेक्टेड है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि एसडीआर हमारी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स का एक भाग होता है जो हमें आईएमएफ एलोकेट करता है, हमारे पास देता है। अब इसका मतलब क्या है कि इसको भी हम लोग डॉलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्दो ये करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट इट हैज इक्विवेलेंट वैल्यू। तो एसडीआर को एक वैल्यू दी गई है, एसडीआर समझ लीजिए एक एसेट है, एक वैल्यू है जिसको आईएमएफ ने क्रिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ सम हार्ड करेंसीज। अगर आप आईएमएफ की वेबसाइट पर जाओगे तो एसडीआर की करेंसी बास्केट में आते हैं इंपॉर्टेंट हार्ड करेंसीज लाइक यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन और पाउंड स्टर्लिंग। यानी कि इन पांच करेंसी से जुड़ा हुआ है एसडीआर की वैल्यू, और एसडीआर की वैल्यू हर दिन बदलते रहती है। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो एसडीआर की वैल्यू भी आपके साथ बदलती रहेगी। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए इंडिया के साथ, हाइपोथेटिकली इंडिया के साथ मैंने मान लिया कि मेरे पास 100 एसडीआर है, तो 100 एसडीआर की एक वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, एक वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ यूरो। तो अगर मुझे डॉलर की जरूरत है, मुझे यूरो की जरूरत है, मेरा कोई लोन है अगर, और मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, मेरे पास डॉलर नहीं है, मेरे पास सोना भी नहीं है, तो मैं एसडीआर के थ्रू उसका पेमेंट कर सकता हूं और आईएमएफ उनको इवेंचुअली पेमेंट कर देगा क्योंकि एसडीआर सिस्टम है आईएमएफ का। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है एसडीआर के बारे में या फिर फैक्ट्स है, आपको इसको ध्यान में रखना है। सिंपल सवाल बन सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, या फिर व्हाट इज एसडीआर, एसडीआर किससे जुड़ा हुआ है, एसडीआर जुड़ा हुआ है आईएमएफ से के साथ, SDR से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट आ सकते हैं। एवरी पोटेंशियल स्टेटमेंट हियर इज अ क्वेश्चन, प्लीज नोट। SDR सबसे पहली चीज, SDR इज नॉट अ करेंसी, SDR इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, ये आपकी फॉरेन रिजर्व फॉरेक्स जो हम लोग कहते हैं उसका भाग होता है, और ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव SDRs इन देयर फॉरेक्स। आपको ध्यान रखना है एसडीआर का कोई मार्केट नहीं है, मैं एसडीआर को मार्केट में नहीं बेच सकता। अगर मेरे पास डॉलर पड़ा हुआ है तो मैं डॉलर को मार्केट में बेच दूंगा, डॉलर को किसी और करेंसी में कन्वर्ट कर सकता हूं। एसडीआर का कोई मार्केट नहीं होता है, ऑल्दो एसडीआर कुछ बैंक्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं फॉर अकाउंटिंग। अब कैसे अकाउंटिंग, फॉर इंस्टेंस समझ लीजिए कोई बैंक है, उस बैंक से इंडिया ने लोन लिया, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट एफ पेनल्टी लगती है ना, तो इंटरेस्ट एफ पेनल्टी कैन बी एन एसडीआर। फॉर एग्जांपल इंडिया हैज टू पे, अगर लोन पे डिफॉल्ट करे देन इंडिया हैज टू पे 2 SDR, कुछ इस तरह के नॉर्म्स हो सकते हैं। क्लियर, आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। एसडीआर बैंक्स डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन एसडीआर अकाउंटिंग के लिए जरूर इस्तेमाल किया जाता है बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा अगर किसी देश को एसडीआर बेचना है, समझ लीजिए कल को इंडिया के ऊपर प्रॉब्लम आ गई, तेल के दर काफी बढ़ रहे हैं, तो कल को मुझे एसडीआर को बेचना है, तो मैं कहां बेच सकता हूं, कैसे बेच सकता हूं, एसडीआर का तो कोई मार्केट है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं, एसडीआर डिपार्टमेंट जो है आईएमएफ में इसको नोटिफाई कर सकता हूं कि भैया मुझे एसडीआर बेचना है, या फिर मुझे आप मेरे एसडीआर रखिए और मुझे पैसा दीजिए। जैसे रिजर्व बैंक का रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट होता है ना, उस तरह से एसडीआर आप आईएमएफ के साथ रख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली किसी देश के साथ वॉलंटरी ट्रेडिंग अग्रीमेंट में जा सकते हो। यानी कि समझ लीजिए किसी देश के साथ मैंने ट्रेडिंग एग्रीमेंट कर दी कि आप मुझे तेल दीजिए मैं आपको 2 SDR दे दूंगा, ये भी आप कर सकते हो। आप इसको करेंसी में भी कन्वर्ट करवा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, यू कैन इवन गेट इट कन्वर्टेड इनटू डॉलर और एनी अदर थिंग, बट अगेन थ्रू ओनली वॉलंटरी ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स ओनली। या फिर आप अपना लोन सेटल कर सकते हो, एसडीआर से मैंने आपको बताया लोन है, आपको लोन सेटल करना है तो आपने एसडीआर में पेमेंट कर दी, यू कैन डू इट। ध्यान रखिएगा प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट होल्ड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, प्लीज रिमेंबर प्राइवेट पार्टीज एसडीआर दे कैन नॉट होल्ड इट। इसके अलावा
IMF can create SDR anytime to inject liquidity. और IMF कैसे create करेगा? अपने institution से create करेगा और उसको allocate करेगा. और आपको याद होगा COVID-19 का जब pandemic आया था 2020 में, almost 600 billion dollars के SDR allocate किए गए थे अलग अलग देशों को. अब इस एलोकेशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी, क्योंकि जब SDR क्रिएट होते हैं इसका मतलब है जिस इकोनॉमी का ज़्यादा ओहदा है उसको ज़्यादा SDR मिल जाएंगे, जिस इकोनॉमी का कम ओहदा है, इसका GDP कम है, उसे कम SDR एलोकेट हो जाएंगे. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए IMF में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हम लोग हमेशा कहते हैं. क्योंकि यहाँ पे एक वेस्टर्न बहुत ज़्यादा बायास है. वेस्टर्न लीडर्स आपको मिलेंगे, वेस्टर्न मैनेजिंग डायरेक्टर्स मिलेंगे, वेस्टर्न पॉलिसीज आपको मिलेंगी, राइट. SDR को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है. टेक्निकली मैं SDR कैन रिप्लेस US डॉलर. अगर आप मुझे सवाल पूछे कि सर SDR को सुन के मुझे लग रहा है कि वो एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, क्या हम SDR को ही एक इंटरनेशनल करेंसी बना सकते हैं क्या? टेक्निकली बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आज वो करेंसी का रोल प्ले नहीं करता है. कहीं ना कहीं शायद 20 सालों बाद, 50 सालों बाद वी माइट सी इट SDR as something which replaces US dollar, possible है. लेकिन जिस तरह का दबदबा चलता है US का, in the near future it's not possible. But I hope कि आपको clarity आ चुकी है special drawing rights से जुड़ी हुई. special drawing rights एक international forex reserve asset है जिसको create कर चुका है IMF और वो देशों को allocate करते हैं अपनी तरफ से ही. क्लियर, राइट. इसके अलावा एक रिजर्व ट्रांच भी होता है. अब मुझे IMF की मेंबरशिप लेनी है, यानी कि मुझे IMF का कोटा लेना है. मैंने आपको बताया IMF में अलग अलग देशों का कोटा है. अब इस कोटा की सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे पे करना पड़ता है. आपको बताया ना कि IMF का अगर मुझे मेंबर बनना है तो एक फंड है, तो उस फंड के लिए मुझे कुछ एलोकेट करना पड़ेगा अपनी तरफ से. तो उसमें अगर मुझे, समझ लीजिए, इंडिया का जो वोटिंग परसेंटेज है 2.75, इस 2.75 कोटा के लिए मुझे IMF को देने हैं 100 रुपये. I have to pay 100 rupees. तो इसमें मेरे पास विकल्प होता है that I can pay 25% of this through gold. इसीलिए gold tranche आपने देखा होगा हमारे forex reserve में भी there is gold tranche. जो IMF के साथ हम लोग गोल्ड देते हैं तो 25% गोल्ड दे सकते हैं, 75% हमारी डोमेस्टिक करेंसी में दे सकते हैं, या फिर इसको क्रेडिट tranche भी कहा जाता है. हाइपोथेटिकली मैंने आपको समझाया है कि IMF की सब्सक्रिप्शन के लिए जो मुझे पैसा देना होता है, IMF को जो पैसा देना होता है, उसमें से 25% मैं सोने में दे सकता हूं और 75% क्रेडिट ट्रांच में, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी में दे सकता हूं. उसके बाद आर कोटा वुड बी एक्टिवेटेड, राइट. आज भी IMF के पास बहुत सारा गोल्ड है. इट इज सेड दैट दे हैव मोर देन 3 tons ऑफ गोल्ड टू बैकअप देयर फंड. यानी कि IMF का एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, तो 3 ton गोल्ड उनके पास है टू हैव दैट क्रेडिबिलिटी. इनफैक्ट इंडिया में आपने देखा होगा जब आप एक नोट निकालोगे, अगली बार जब ये वीडियो देखोगे उसके बाद, सुनने के बाद जरूर आप नोट निकालिएगा. नोट निकालने के बाद 100 रुपए का नोट है, उसमें प्रॉमिस किया जाता है, आई प्रॉमिस टू गिव द बेरर अ वैल्यू ऑफ 100. 100 रुपए का नोट है तो RBI मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 100 रुपए दूंगा, राइट. RBI किस दम पे कहता है. अगेन अर्लियर इट वॉज अगेन बेस्ड ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि गोल्ड उतना गोल्ड रखा जाता है. और दो अभी सिम्बॉलिकली गोल्ड रखा गया RBI के साथ कि हम लोग इतना गोल्ड बैकिंग होती है कि अगर मुझे 100 रुपए देने हैं RBI को, आई हैव 100 रुपी नोट, अगर मैं 100 रुपए का नोट RBI के पास लेकर जाऊंगा तो RBI विल गिव मी 100 रुपीज वर्थ गोल्ड. दैट इज अ गोल्ड बैकिंग. And every country has gold backing. Although gold जो gold hold करते हैं central banks वो काफी कम हो चुका है, but IMF still holds large amount of gold as their backing. Alright? तो ये gold tranche के ऊपर भी सवाल आ चुके हैं पहले भी, बस इसको ध्यान रख लीजिए. इसके अलावा IMF की publication कौन सी आती है, ये बहुत जरूरी चीज है. जो सवाल मैंने आपसे शुरुआत में शेयर किए थे उन सभी के आपको जवाब भी मिलते हुए जाएंगे. IMF कौन सी पब्लिकेशन करता है? IMF की 3 इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन आती है. एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इट इज रिलीज बाय IMF. एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इट इज रिलीज बाय IMF. एक है फिस्कल मॉनिटर, ग्लोबल फिस्कल मॉनिटर, इसको भी रिलीज करता है IMF. तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर, ये तीनों रिपोर्ट्स पब्लिश करता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड.
right? So this was our discussion about IMF, International Monetary Fund. Let's move on and talk about World Bank. अभी हम लोग World Bank के बारे में बात करने वाले, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC Civil Services की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, Study IQ का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, इवनिंग बैच शुरू हो रहा है 1 अगस्त 2022 से। अगर आपने पहले मॉर्निंग बैच इवनिंग बैच में अगर एडमिशन नहीं लिया है तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, हमारा जो लाइव फाउंडेशन है इवनिंग बैच, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त 2022। आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू का जो फाउंडेशन कोर्स है, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी नीड्स। अगर हम लोग इस फीचर, इस प्रोग्राम की बात करें, इसकी इंपॉर्टेंट फीचर से आपका 10 महीने का एक शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने की क्लासेस चलेंगी, 1 अगस्त से आपकी हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 900 आवर्स की आपको लाइव टीचिंग मिलेगी कंटिन्यूसली। आपको हर एक मॉड्यूल के बाद MCQ सॉल्व करा दिया जाएंगे, हर एक मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी। आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स मिलेगा। अगर आप नोट्स मेंटेन नहीं करें तो हैंड रिटन क्रिस्प आपको नोट्स मिलेंगे। 1-to-1 मेंबरशिप मिलेगी आपको, आपके लिए एक मेंटर मिलेगा आपको। मेंटर विल बी विथ यू कंटिन्यूअसली थ्रू आउट योर जर्नी। आपके एकेडमिक डाउट्स क्लियर करेंगे, नॉन एकेडमिक डाउट्स क्लियर करेंगे। हमारे ज्ञानवाणी सेशन चलते हैं, ग्रुप मेंटरशिप चलती है, जहां पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ वार्तालाप कर सकते हो, उनके आइडियाज को समझ सकते हो, मोटिवेशन उससे आप ले सकते हो। और ये सब आपको मिलेगा 19,499 रुपीज में ही। आपको ध्यान रखना है, इसी फाउंडेशन बैच में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, इसी कॉस्ट में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। इतने की तो टेस्ट सीरीज आती है अलग अलग जगह पे, तो आपको ध्यान रखना है, इस प्राइस में 19,499 में आपको मिलेगी। कंपनी का प्राइस 25,000 के आसपास है, लेकिन अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, कैपिटल RAHUL LIVE विदाउट एनी स्पेसेस, आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा 19,499 में ही। ध्यान रखना है, 1 अगस्त तक एनरोल करना है, जल्द से जल्द, राइट। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द वर्ल्ड बैंक और द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्रुप है। तो हमें यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मतलब क्या है, इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, इनमें से कौन से संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं, कौन से UN स्पेशल एजेंसीज है, कौन से नहीं है, ये सारी चीजों का आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मतलब है 5 इंस्टीट्यूशंस। पहला इंस्टीट्यूशन है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 1944 में बना था, उसी साल IBRD के साथ ही जो दूसरा इंस्टीट्यूशन बना था IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, 1944 में ही बना था। आपको ध्यान रखना है, ये जो दोनों 1944 में बनाए गए थे, इन दोनों को मिलकर वर्ल्ड बैंक कहा जाता है इन जनरल। इसके अलावा 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाया गया, 1988 में मेगा बना मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और 5th इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, 1966 में बना, ICSID बना, राइट। तो इन पांचों को मिलकर हम लोग वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। अब रहा अगला सवाल, सर इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से किन किन का मेंबर है इंडिया? मैंने आपको सवाल बना दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज इंडिया अ मेंबर, इंडिया इनमें से किन मेंबर्स का ग्रुप, इनमें से किन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है? 5 ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 का मेंबर है इंडिया, आपको ध्यान रखना है। IBRD का मेंबर है, IDA का मेंबर है, IFC का मेंबर है, MIGA का है, एक ही एक का मेंबर नहीं है ICSID का, राइट। ICSID, राइट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID का मेंबर नहीं है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टॉइड। इसके अलावा इंडिया फाउंडर मेंबर रह चुका है 3 इंस्टीट्यूशंस का, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का फाउंडर मेंबर है, 1944 में ही हम लोग एक्सेप्ट कर चुके थे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के भी हम लोग फाउंडर मेंबर है 1944 में ही, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के भी फाउंडर मेंबर है 1956 में ही, लेकिन MIGA को हम लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, MIGA भी ज्वाइंड इवेंचुअली 1994। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर इंडिया ने ICSID का पार्ट या फिर ICSID की मेंबरशिप क्यों एक्सेप्ट नहीं की? नाम से ही पता चल रहा है, इट इज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स। अगर आपने इंडिया से रिलेटेड केसेस के बारे में सुना होगा, वोडाफोन के साथ हमारा केस है, बहुत बड़ा केस है, 10,000 करोड़ के ऊपर उनके ऊपर टैक्स लगाया था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी लगाकर। KN इंडिया के साथ हमारे टैक्सेशन इश्यूज है, वो सारे केसेस कहाँ लड़े गए? सुप्रीम कोर्ट में केसेस थे। तो इसका मतलब है इंडिया इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट को नहीं मानता है,
ऑल दो पिछले कुछ सालों में हम लोग धीरे धीरे आर्बिट्रेशन की तरफ जरूर मूव हो रहे हैं, जैसे कि इंडिया हैज एक्सेप्टेड और क्रिएटेड रादर, इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ ब्रिक्स आर्बिट्रेशन सेंटर, जहां पे ब्रिक्स कंट्रीज के साथ अगर कोई इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कोई विवाद है तो उसे हम लोग सेटल कर सकते हैं आर्बिट्रेशन से एट द ब्रिक्स आर्बिट्रेशन सेंटर। इसके अलावा इट विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये एक पिक्चर डाला हुआ है। आईबीआरडी के हम मेंबर हैं, IDA के हम मेंबर हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हम लोग मेंबर हैं, मिगा के भी हम लोग मेंबर हैं, लेकिन ICCID के मेंबर हम नहीं हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्टर, राइट। चलिए अब एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, इनके मैंडेट के बारे में जानते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इनकी कब ये इनकी शुरुआत हुई थी, राइट। यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का क्या रिलेशन है, राइट। देखिए यूएन और वर्ल्ड बैंक में आपको ध्यान देना है, आईबीआरडी, आईएफसी और आईडीए, ये तीन ही हैं जो यूनाइटेड नेशन के स्पेशलाइज्ड एजेंसी से, प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। सवाल आ जाए विच ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप मेंबर्स आर यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी। वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या है, वर्ल्ड बैंक का मतलब है केवल आपको आईबीआरडी और आईडीए दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं, क्लियर। इसके अलावा यूएन के स्पेशलाइज एजेंसीज कौन से नहीं है, आईसीसीड और मिगा स्पेशलाइज एजेंसीज नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भाग है लेकिन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के स्पेशलाइज एजेंसीज नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया आईबीआरडी और आईडीए कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं, और आईबीआरडी और आईडीए दोनों ही 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही इनकी स्थापना हुई थी। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर एक पे पोटेंशियल एक एमसीक्यू बन सकता है, आई होप इट इज वेरी क्लियर, राइट। अब बात करते हैं आईबीआरडी के बारे में, नाम से पता चल रहा है आईबीआरडी का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज ये बना क्यों था, अब नाम से आपको पता चल रहा है इसके अंदर एक टर्म है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि विश्व युद्ध दो के बाद जो जिन जिन देशों में प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, लाइव्स वर लॉस्ट, तो इकोनॉमी वॉज कंप्लीटली डिरेल्ड, इसका मतलब यहां पे रिकंस्ट्रक्शन करना है, इसलिए आईबीआरडी की स्थापना की गई थी। टेक्निकली 1944 में जब ये बना था तो इसका उद्देश्य था यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन का, इसका उद्देश्य था यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन, बट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई कैन सी आफ्टर 1960s इट्स मैंडेट हैज वाइडेंड। तो आपको ध्यान रखना है IBRD यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन के लिए बना था, लेकिन नाउ इट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ मिडिल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज। तो मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे ये लोन देते हैं, अगर वहां पे कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी असिस्टेंट देते हैं, ग्रांट देते हैं, बहुत ही लो इंटरेस्ट पे ये लोग पैसा प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके मेंबर्स कौन कौन है, 189 मेंबर्स कंट्री, मेंबर कंट्रीज है इसके, और वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर्स, प्लीज रिमेंबर दिस। इसके अलावा एन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ईच आईबीआरडी मेंबर शुड ऑल्सो बी कंपल्सरीली मेंबर ऑफ आईएमएफ, यानी कि आईएमएफ का मेंबर आईबीआरडी का मेंबर होना चाहिए, ऑलराइट। अब इसके अलावा आईबीआरडी का क्या क्या काम है, इनके क्या क्या सर्विसेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये लोग पार्टनरशिप करते हैं विद मिडिल इनकम कंट्रीज, प्लीज रिमेंबर आईबीआरडी नाउ दे आर कनेक्टेड विद द मिडिल इनकम कंट्रीज, शुरुआत में जब आए थे फॉर यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन, बट नाउ मिडिल इनकम एंड पुअर कंट्रीज, बहुत ही जो लो इनकम कंट्रीज है उन्हें फाइनेंशियल सॉल्यूशन देते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देते हैं, लोन गारंटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स ये सारे अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के भी उन्हें ऑप्शंस देते हैं, जिन देशों के पास उनकी खुद की पब्लिक मैनेजमेंट के एसेट्स नहीं है तो उन्हें पब्लिक डेट कैसे मैनेज किया जाए, उनके एसेट कैसे मैनेज करें, उसके लिए भी आईबीआरडी मदद करता है। इसके अलावा जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, लो इनकम कंट्रीज है, वहां पे गवर्नमेंट के एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करता है फॉर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये इनका काम है। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है, इनका पैसा कहां से आता है, वेयर आर द फाइनेंस फ्रॉम एंड व्हाट इज दिस आईबीआरडी। प्लीज रिमेंबर आईबीआरडी इज एक्चुअली अ कोऑपरेटिव, इट इज अ ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव। 189 जो मेंबर्स है इसके, ये सभी मेंबर इसके ओनर्स हैं। आई होप कि आपने कोऑपरेटिव बैंक का कॉन्सेप्ट देखा होगा, कोऑपरेटिव बैंक में अगर 100 मेंबर्स हैं, सभी लोग अपना अपना पैसा डालेंगे, शेयर कैपिटल में डाल देंगे, आप सभी उसके ओनर बन जाओगे, यही 189 मेंबर्स आर ओनर्स ऑफ आईबीआरडी। तो इनके खुद के शेयर से इस पर्टिकुलर बैंक में, इट्स लाइक अ कोऑपरेटिव बैंक। तो फाइनेंस कैसे होता है, इट इज फाइनेंस बाई द कंट्रीज एंड ऑल्सो इट रेजेस अ लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम वर्ल्ड फाइनेंशियल
मार्केट्स, और पैसा फाइनेंशियल मार्केट से उठाते हैं, दूसरे कंट्रीज को देते हैं, और इनकी इस जो बैंक है इनकी रेटिंग है AAA रेटिंग सिंस 1959, इट इज अ AAA रेटेड बैंक। ऑलराइट, इसके अलावा देयर इज वन मोर इंस्टीट्यूशन IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब इसका काम है कि सबसे गरीब जो देश है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज जो है, उनके लिए ये लोन देते हैं। इनफैक्ट कई बार तो दे गिव लोन्स विच आर जीरो इंटरेस्ट, दे कॉल इट एज क्रेडिट। इन कंट्रीज को क्रेडिट दिया जाता है, रीपेमेंट के ऑप्शन होते हैं, 50 साल 60 साल 70 साल तक आप पैसे उसको रीपे करते रहे किश्तों में बिना किसी इंटरेस्ट के फॉर द डेवलपमेंट। दे गिव ऑलमोस्ट जीरो टू वेरी लो इंटरेस्ट लोन ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इनइक्वालिटी कम हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पीपल की लाइफ इंप्रूव हो, पॉवर्टी कम हो, इन सब चीज़ों के लिए पैसा ये लोग देते हैं। अभी फिलहाल IDA इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ असिस्टेंस मनी फॉर 74 पोरेस्ट कंट्रीज। इनफैक्ट IDA की मदद से, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की मदद से, कई सारे देश ग्रेजुएट भी हुए, इसमें इंडिया भी है, क्योंकि एक समय था 1947 में, हम लोग कह सकते हैं हमें भी काफ़ी सारे पैसों की जरूरत थी, काफ़ी सारे असिस्टेंस की जरूरत थी, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने प्लान किए थे, हम लोग डैम्स बना रहे थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे, तो हमें ग्रांट्स की जरूरत थी, लोन्स की जरूरत थी, तो हम लोगों ने IDA से काफ़ी ज़्यादा मदद ली थी। लेकिन आज हम लोग IDA को ही मदद करते हैं, IDA को ही डोनर बन चुके हैं। 37 कंट्रीज हैव ग्रेजुएटेड एंड मेनी हैव बिकम IDA डोनर्स इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, क्योंकि IDA से हमें मदद मिली थी, हम दूसरे कंट्रीज की भी मदद करते हैं बाई डोनेटिंग टू IDA। राइट, तो IBRD एंड IDA, इसके अलावा IBRD IDA मिलकर, मैंने आपको बताया था ये वर्ल्ड बैंक बनते हैं, और ये दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक जो पब्लिकेशन करते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दी है मैंने, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट GEP रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, वर्ल्ड रेमिटेंसेस रिपोर्ट एनुअली वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिटफॉल हो सकता है, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में WHO दिया जाए तो आपको लगेगा कि इज इट WHO, कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक, नॉट WHO। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑल्सो रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक इट्सेल्फ। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी है, ये दोनों वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है। राइट, तो IBRD और IDA दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं, क्लियर, और ये दोनों यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल एजेंसी से, इन दोनों के अलावा एक और स्पेशल एजेंसी है, वो है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को 1956 में बनाया गया था एक बहुत ही बोल्ड आइडिया से कि प्राइवेट सेक्टर की मदद करें। आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन काम करता है फॉर एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के कंपनीज को लोन देते हैं, कंपनीज को पैसा देते हैं, नए नए मार्केट क्रिएट करते हैं, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज इनके साथ शेयर करते हैं, तो ये लोग नए नए प्रोडक्ट्स के साथ आते हैं, जैसे कि IFC शुरुआती दौर में काफ़ी कम कंट्रीज इनके साथ थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने एक्सपैंड किया है, मोर देन 100 कंट्रीज अभी इनके साथ हैं। एमर्जिंग मार्केट का टर्म इन्होंने कॉइन किया हुआ है, एमर्जिंग मार्केट के लिए नए नए प्रोडक्ट्स ये लोग डेवलप करते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स, आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर के जो बॉन्ड्स आते हैं IFC ही इनके लिए काम करता है। 1956 में ये बना था, चार इंपॉर्टेंट एरियाज में ये काम करते हैं IFC। पहले तो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट कंपनीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, कैपिटल को मोबिलाइज करते हैं फ्रॉम अदर लेंडर्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये लोग लेंडिंग में मदद करते हैं, बिजनेसेस को एडवाइज करते हैं, सरकारों को एडवाइज करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आपके देश में आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, और अल्टीमेटली मार्केट्स को भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो आपको ध्यान रखना है IFC इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट UN स्पेशलाइज एजेंसी। तो तीन स्पेशलाइज एजेंसीज है, बाकी दो नहीं है, बाकी दो में आता है MIGA, MIGA, MIGA। MIGA क्या है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब ध्यान आपको देना है, इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। अब इनका उद्देश्य है कि ये प्रमोट करे FDI को। FDI को ये काफी प्रमोट करते हैं, एक दूसरे एक देश से दूसरे देश में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो अब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर दूसरे देश में वो इन्वेस्टमेंट लॉस में चला जाता है, तो उसके लिए कुछ गारंटी चाहिए, उसके लिए कुछ इंश्योरेंस चाहिए, तो वो MIGA करता है। और इस इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस पहले से ही काफी ज्यादा थी, लेकिन 1948 में ही सोचा गया था कि ऐसे एक इंश्योरेंस एजेंसी बनाई जाए जो FDI को प्रमोट करे, FDI को इंश्योर करे,
लेकिन इवेंचुअली 1988 में ऐसी बॉडी बनी थ्रू दी मेगा कन्वेंशन. 1988 में मेगा बना, हम लोगों ने ज्वाइन किया इसको 1994 में. सो मेगा ओपन्ड अप फॉर दी अदर एजेंसीज एज अ सेपरेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंटिटी, राइट. अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी है ये. आईबीआरडी के मेंबर्स इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, सभी मेंबर्स इसमें अभी तक भाग नहीं है. मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल द आईबीआरडी मेंबर्स. शुरुआती दौर में मेगा के ओरिजिनल मेंबर्स से 29, ये है इनकी लिस्ट. अगर हम लोग मेगा की बात करें, मेगा क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेगा हैज बीन क्रिएटेड मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. ये एक एजेंसी है, इसको क्रिएट किया गया है टू इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट इज इंश्योर्ड, इन्वेस्टमेंट की इंश्योरेंस हो, राइट. मल्टीलैटरल कैरेक्टर है इसका, जॉइंट स्पॉन्सरशिप है इसकी. इनका मिशन क्या है कि एफडीआई को प्रमोट करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. एफडीआई आएगा तो टेक्नोलॉजी आएगी, तो नौकरियां बढ़ेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पॉवर्टी कम होगी, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी. तो एफडीआई को प्रमोट करने के लिए बना हुआ है मेगा. और मेगा की अभी रिसेंट टाइम्स में चार स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, स्पेशली आप देख सकते हो मेगा की फोर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फ्रॉम FY 21-23. सबसे पहला है डीपन इंपैक्ट इन आईडीए कंट्रीज, यानी कि पुअर कंट्रीज जो है जहां पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन काम करता है वहां पे एफडीआई को प्रमोट करें, यहां पे इंपैक्ट बनाए. इसके अलावा मार्केट क्रिएशन में लगे, आईडीए की मदद करें इन टर्म्स ऑफ मार्केट क्रिएशन. टेक लीड इन ग्लोबल इशूज, ग्लोबल इशूज लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है देन यू गिव हायर इंश्योरेंस. इसके अलावा बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव करें. इन चार जगहों पे अभी फिलहाल इनका फोकस एरिया रहा है, राइट. तो ये है मेगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. इसके अलावा फाइनल बॉडी है ICSID. अब नाम से ही पता चल रहा है, इट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट. समझ लीजिए एक कंपनी, अब वोडाफोन है, यूके की बेस्ड कंपनी है, इंडिया में आकर उन्होंने पैसा लगाया, इंडिया में उन्होंने एफडीआई कर दिया, एफडीआई को इंश्योरेंस इंश्योर किया उन्होंने मेगा से. तो इंश्योरेंस अमाउंट तो मिलती है, इंश्योर तो है, लेकिन अगर समझ लिए कुछ प्रॉब्लम हुई यहाँ पे विद देयर इन्वेस्टमेंट, कुछ डिस्प्यूट हुआ विद इंडियन कंपनीज, इंडियन गवर्नमेंट, तो उसके रेजोल्यूशन कैसे करें. उसके रेजोल्यूशन के लिए एक बॉडी बनी ICSID, राइट. ये बनी 1966 में थ्रू कन्वेंशन ऑन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स. अब ICSID को भी अलग अलग जो भी IBRD के मेंबर्स है, IMF के मेंबर्स है, वो सेपरेटली जुड़ सकते हैं. और जब वो जुड़ेंगे, जब वो एक्सेप्ट करेंगे ICSID को, इसका मतलब है ICSID का जो फोरम है उसे वो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे. इसीलिए इंडिया, ध्यान रखिए, इंडिया इसका भाग नहीं है, बट बहुत सारे दूसरे कंट्रीज इसके भाग हैं. अब देखिए, अगर हम लोग मेगा के मेंबर बने, मेगा के मेंबर तो बने ही हैं, मेगा के मेंबर बनने से हमारे देश में FDI काफ़ी ज़्यादा इनपुट आया. अगर कोई भी देश मेगा का भी मेंबर है, ICSID का मेंबर है, यानी कि वहाँ पे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी. क्रेडिबिलिटी इन द सेंस कि बाहर वाले अगर आकर इंडिया में पैसा डालेंगे तो उन्हें पता है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए मैं यहाँ पे जा सकता हूँ. कोई डिस्प्यूट भी हो तब हम लोग बहुत ही पीसफुली आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि IDA प्रोवाइड करता है अलग अलग मीन्स, कॉन्सिलिएशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रिकनसाइल करने की बात है, आर्बिट्रेशन या फिर फैक्ट फाइंडिंग से वो अल्टीमेटली अपने वर्डिक्ट्स देते हैं इन दी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट. अभी तक 700 से भी ज्यादा केसेस उन्होंने रिजॉल्व किए हैं, दे हैव बीन एडमिनिस्टर्ड बाय द ICSID, बट इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. प्लीज रिमेंबर, इंडिया प्रिफर्स बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग और बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, या फिर दोनों की मिलके जॉइंट जो भी बायलैटरली आर्बिट्रेशन का डिसीजन लिया है तो उसके लिए जा सकते हैं, या फिर इंडियन जुडिशरी में हम लोग बिलीव करते हैं. तो इसीलिए हम लोग ICSID के अभी तक भाग नहीं है. तो अगर मुझे बताना है आपको, आई टोल्ड यू अबाउट फाइव बॉडीज, लेट्स गो बैक टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड जहां पे मैंने आपको फाइव बॉडीज के बारे में बताया था. अब IBRD शुरुआती दौर में यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए बनी थी, लेकिन अभी वो मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज के लिए काम करते हैं. और इन्हें लोन्स हो गए, कोई भी क्रेडिट गारंटी हो गई, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है उसके लिए ये लोग पैसा देते हैं, दे गिव मनी. अब IDA भी वही करता है, लेकिन IDA दे डू इट फॉर पुअर कंट्रीज, स्पेशली लो इनकम कंट्रीज, बहुत ही पुअर इनकम जो कंट्रीज है जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है, उन्हें क्रेडिट देता है, लोन्स देता है, पैसा देता है. अब IFC क्या करता है, IFC भी आपको पैसे से जुड़ा हुआ, क्योंकि ऑल दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर कनेक्टेड विद मनी, बट IFC स्पेसिफिकली वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट
कंपनीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज, और मिगा मिगा ऑल्सो वर्क्स फॉर मनी। अब मनी एक जगह से दूसरी जगह मनी पहुंचाना है, यानी कि FDI को प्रमोट करने के लिए बना हुआ है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मिगा। और ICICI तो आपको पता है डिस्प्यूट के लिए बना हुआ है, तो प्लीज रिमेंबर इनके टर्म्स से क्या इनका काम है, कब ये लोग बने थे। इंडिया के दृष्टिकोण से इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICICI। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें, स्पेशली इन जनरल हम लोग टर्म यूज करते हैं वर्ल्ड बैंक, IBRD और IDA के लिए। वर्ल्ड बैंक और इंडिया का काफी स्ट्रांग रिलेशन है, इनफैक्ट इंडिया एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी आउट ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स, वर्ल्ड बैंक कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। वर्ल्ड बैंक कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत रहा है इंडिया की तरफ से। अगर हम लोग 1944 से बात करें, अभी तक इंडिया में $10 बिलियन से भी ज्यादा फंडिंग या फिर मदद आ चुकी है वर्ल्ड बैंक की तरफ से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए। अब ऐसा नहीं है कि पैसा उन्होंने दे दिया हमें, हम भी वापस करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन से काफी ज्यादा मदद आ चुकी है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया। अगर हम लोग कुछ उदाहरण की बात करें, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी। अगर आप अपने कॉलेज में किसी लैब में गए हो तो वहां पे आपने टेकिप जरूर देखा होगा, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। टेकिप को भी फंड कर चुका है वर्ल्ड बैंक, मेरे कॉलेज में तो था। मेरे कॉलेज में देर वॉज अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच वॉज फंडेड बाई टेकिप, राइट। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान एजुकेशन के लिए भी ये लोग दे चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रूरल एरियाज में जो रोड्स बनती हैं उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक मदद कर चुका है। गंगा रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल टाइम्स फंडिंग आ चुकी है वर्ल्ड बैंक से। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में, मेघालय कम्युनिटी लेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए, उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, बहुत ही लंबी लिस्ट है वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स की इंडिया में। तो वर्ल्ड बैंक से मैं कहूंगा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया है, इंडिया को काफी मदद मिल चुकी है, और आगे आने वाले भी समय में भी आप इसके ऊपर ध्यान रखिएगा कि कहीं अगर वर्ल्ड बैंक का कोई प्रोजेक्ट है इंडिया में अगर आ रहा है तो वो किस लिए आ रहा है, कौन सी इंस्टीट्यूशन है, और इन पांचों इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप ध्यान रखिएगा, तो कई सारे सवाल बन सकते हैं, राइट। मैंने आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी दी है, उस पर भी सवाल बन सकते हैं। आई होप नाउ यू डू अंडरस्टैंड व्हाई वी डिस्कस IMF एंड वर्ल्ड बैंक कंप्लीटली सेपरेटली एज अ सेपरेट चैप्टर, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, राइट। सो दैट इज इट इन दिस क्लास राइट नाउ। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग और भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। आगे हम लोग अब UN सिस्टम से हम लोग निकलकर UN फंड्स, UN प्रोग्राम्स और दूसरे UN के बॉडीज एंड अदर बॉडीज के बारे में चर्चा करेंगे इन आवर सब्सिक्वेंट क्लासेस। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे ऑन कोर्स। अपने शेड्यूल को स्टिक कीजिएगा, तभी कंटिन्यूस आपको प्रोग्रेस दिखेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे @RahulSai222। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप इन IDs पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस प्रेजेंटेशन की PDF तो मिली जाएगी। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप उसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन Instagram। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। हाय, दिस इज अजय जोशी, one of the UPSC aspirant from remote area of India who face multiple number of difficulty to assess the basic elements which are necessary to crack UPSC exams, like proper guidance environment. Study IQ is only platform in India which provide me all these basic elements. And thank you again, Study IQ, make me so confident so that this time I will definitely crack UPSC exam. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।